हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे मसाला मैगी कैसे बनाई जाती है। मसाला मैगी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और इसको आप कभी भी नाश्ते में बना सकते हैं। और हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम देख लेते हैं मसाला मैगी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ पर हमने 2 पैकेट मैगी नूडल्स लिया है, यानी कि इसका वजन लगभग 70 ग्राम है। 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 1 बारीक कटा हुआ टमाटर, 2 कटी हुई हरी मिर्च, 50 ग्राम हरी मटर, थोड़ी हरी धनिया, गरम मसाला 1/4 छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 छोटा चम्मच, जीरा पाउडर 1/4 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर हमने 1/4 से भी कम लिया है क्योंकि हम इसमें हरी मिर्च मिला रहे हैं, नमक स्वादानुसार। तो चलिए अब हम मसाला मैगी बनाना शुरू करते हैं। अब हम कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम प्याज डालेंगे, हरी मिर्च, टमाटर। अब हम गैस को मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और इसको लगभग 2 से 3 मिनट तक तल लेंगे। ये हमारा हल्का सॉफ्ट हो चुका है, अब इसमें हम मटर को डालेंगे। अब इसमें हम मसाले डालना शुरू करेंगे, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। अब इसको लगभग हम 1 मिनट तक भून लेंगे। अब इसमें हम मैगी मसाला डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम लगभग 1.5 गिलास पानी डालेंगे। अब इसमें हम नमक डालेंगे। अब पानी में जब उबाल आने लगेगा तब इसमें हम नूडल डालेंगे और गैस को हम हाई फ्लेम पे कर देंगे ताकि पानी हमारा जल्दी से गर्म हो जाए। नूडल्स को हम ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। पानी में उबाल आ चुका है, अब इसमें हम नूडल्स को डाल देंगे। अब इसको हम हाई फ्लेम पे लगभग 5 मिनट तक पका लेंगे। तो मसाला मैगी हमारी पक चुकी है, अब इसको हम सर्व करते हैं। अब इसमें हम हरी धनिया से गार्निश कर देंगे। तो मसाला मैगी हमारी खाने के लिए तैयार है। अब आप लोग भी बनाइए और इसे टेस्ट करिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।